अब सीधे रुख करते हैं अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, क्योंकि उनके नेतृत्व वाले जितने भी लोग हैं जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं वो, और जो उनका उसी तरह का भाषण को आगे बढ़ाने वाले लोग जो प्रदेश में हैं, वो चाहते हैं कि इस बात की बहस न हो कि आज नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। अगर आपको याद हो, समाजवादी पार्टी ने यही नारा दिया था कि हमें नहीं चाहिए एनपीआर, हमें चाहिए रोजगार। सीए की बहस, एनआरसी की बहस, ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संविधान और हमारे देश की जो भावना रही है उससे खिलवाड़ की है। एक एक देश के नागरिक जानते हैं, जितने भी भारतवासी हैं वो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये फैसले इसलिए लेते कि समाज को बांट सकें और उनका राजनीतिक हित उसमें पूरा हो। समाजवादी पार्टी कभी पक्ष में नहीं रही, और पहले दिन भी मैंने कहा और आज फिर कहता हूं कि जितने लोगों की जान गई है सबकी जान पुलिस की गोली से गई है। आखिरकार उनके परिवारों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों छिपाई जा रही थी, और यह सरकार ऐसी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदलवा सकती है। आज जो अर्थव्यवस्था डूब गई, भारतीय जनता पार्टी इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। आज हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता था आज हम एक्सपोर्ट में पीछे चले जा रहे हैं। एक्सपोर्ट के चाहे वो आगरा रहा हो, चाहे वो मुरादाबाद है, चाहे भदोही या और अन्य जिलों से जो उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता था, आज हम नीचे जा रहे हैं, उसमें है ही नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बहस तो नए साल पे इस बात पे करते हैं कि नोटबंदी के बहाने देश को गुमराह कर दिया। आज सरकार बताए कि आखिरकार बैंकें क्यों डूब रही हैं, क्या कारण है कि अर्थव्यवस्था में पैसा आ ही नहीं रहा, क्या कारण है इसका, और कौन जिम्मेदार है कि कोई कारोबार शुरू नहीं करना चाहता है। आज से क्या उद्योगपति या आम लोग क्यों डरे हुए, इसके जिम्मेदार कौन है? और फिर कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी आईसीयू में है, बैंकिंग सिस्टम आईसीयू में है। हम ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा आईसीयू में पहुंचा दिया है। इसे समाजवादी पार्टी का मानना है कि बढ़ती हुई महंगाई को छिपाना चाहते हैं लोग। बिजली का उत्पादन अगर सरकार ने बढ़ाया हो तो बता दें, ये सरकार कैसी है जिसको यही नहीं पता कि बिजली का दर बढ़ा दी गई, कैसी सरकार है? और जिनकी कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी थी वो बताओ कहां उलझे हुए हैं, किन बातों में उलझे हुए हैं? जो आरोप लगते थे राजनीतिक पार्टियां लगाया करती थी एक दूसरे पे आरोप, लेकिन ये ऐसी सरकार है जिसके आईपीएस खुद आरोप लगा रहे हैं। आखिरकार कौन है, जिम्मेदार कौन है उसके लिए? इसे कोई जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है, और उसके मुखिया जिम्मेदार हैं। इन सब चीजों को देखते हुए बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के यूथ के लोग, नौजवान लोग
साइकिल चला करके रोजगार मांगने का काम करेंगे, साइकिल चलाएंगे, रोजगार की मांग करेंगे। और वहीं ये भी कहेंगे कि एनपीआर हम नहीं भरेंगे, और हम तो अपील करेंगे औरों से भी कि आगे आए और जो सत्याग्रह का ये आंदोलन समाजवादियों ने या देश के लिए छेड़ा है उसमें हम सब लोगों का सहयोग करें। हम नहीं भरेंगे एनपीआर, हम नौजवान मांगेंगे रोजगार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अगर मैं फॉर्म नहीं भरता हूं तो किस कानून में हमें आप कार्रवाई करेंगे? मैं भी आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मैं फॉर्म नहीं भरता हूं तो कौन से कानून में आप मुझे सजा देंगे? और वैसे भी आप लोग कह रहे हो कि मैं कहीं चला जाऊं तो अगर कहीं रिश्तेदारी हो कोई किसी की तो हमें बता दें, हम वहां हो आए। तो मैंने इसीलिए कहा कि पहला मैं रहूंगा, और फिर जहां आप आधार की बात कर रहे हैं मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आधार में न जाने कितने आपने पन्ने भरवाए हैं, पूरे परिवार की जानकारी ली है आपने, बच्चों की जानकारी ली है, खेती की जानकारी ली है, आपके टेलीफोन नंबर की जानकारी है और बैंक्स की जानकारी है। आपने हमारे बैंक को जोड़ दिया, आप मोबाइल को जोड़ना चाहते थे। ऐसी कौन सी जानकारी है जो आपके पास आधार में नहीं है, एनपीआर से हासिल करना चाहते हैं? अगर मैं भी अपनी मदर का ढूंढना चाहूं कि डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या ढूंढ के लाऊं तो मैं नहीं ला सकता हूं। और कई गांव में हमारे गरीब ऐसे हैं जो गरीब हैं उनके पास, और ज्यादातर लोग जो गांव में रह रहे हैं उनके पास घरों का कागज नहीं है। और मैं इस बात को और जानकारी दे दूं आपको, आप में से कुछ साथियों को याद होगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में हेरिटेज पॉलिसी हम ला रहे थे। हेरिटेज पॉलिसी के तहत बहुत सारी मैंने मांगे मान ली थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम राजा महाराजा मुझसे मिलते थे, क्योंकि महल उन्हीं के पास है, महल हमारे और आपके पास तो है नहीं। किसी भी राजा के पास उसके महल के कागज नहीं है। एक को पता लग गया कि महल के लिए कागज बनेंगे, उसके बेटे ने जाकर के महल पर कब्जा कर लिया था, अगर आपको याद हो तो, याद होगा शायद। बहुत सारे हमारे राजा ऐसे हैं, महाराजा ऐसे हैं जिनके महलों पर कागज नहीं उत्तर प्रदेश के, हालांकि राजस्थान में वो व्यवस्था हुई थी किसी के सरकार के जमाने पर। उसी तरह की हेरिटेज पॉलिसी हम लोग ला रहे थे, तब हमें जानकारी हुई कि राजा महाराजाओं के इतने बड़े बड़े महल हैं लेकिन इनके पास इनके कागज नहीं है उनके पास। और ये जब राजा महाराजाओं पे नहीं है तो हमारे गरीबों पे कैसे होंगे? और आपको याद होगा कि इसी सरकार के एक मंत्री थे, जब कुछ लोगों के झोपड़े उजाड़े गए थे, वो मंत्री नहीं है सरकार के, ओम प्रकाश राजभर, याद होगा आपको, न जाने कितने राजभर समाज के लोगों को उजाड़ दिया गया था ये कहकर के कि ग्राम सभा की जमीन पर, आबादी की जमीन पर अपना घर बनाए हुए हैं। उस समय सरकार को झुकना पड़ा था और यह स्वीकार करना पड़ा था कि वो लोग रह सकेंगे वहां पर। ऐसे न जाने कितने गरीब हैं इस प्रदेश में, देश में, आदिवासी लोग हैं। कभी हमें नए साल पे मिलने आए सफेदे लोग, उन्होंने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने सांप छीने हैं हम पे केवल बीन बचा है, हम पे तो घर भी नहीं है। तो इसलिए ये जहां ये एनपीआर लाना चाहते हैं ये गरीबों के खिलाफ है। देश की बड़ी संख्या में आबादी है, मुसलमान भाइयों के खिलाफ है, और केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये क्यों नहीं बहस करना चाहते हैं कि बैंक्स डूब गई आपकी? कम से कम बैंक किसने डुबाई है उसकी सूची नए साल पे आ जाए,
हम तो मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इतना ज्ञान दे रहे हैं वो सूची दें कि वो कौन लोग हैं जो भारत का हमारी बैंकों का पैसा लेकर के भारत को छोड़ करके चले गए। क्या कारण है? इलाहाबाद बैंक का नाम था हमारी इकलौती बैंक जिसकी रियल एस्टेट वैल्यू की हम तुलना नहीं कर सकते। बताओ रियल एस्टेट वैल्यू क्या है हमारे इलाहाबाद बैंक की? इकलौता है इलाहाबाद बैंक, उसका नाम ही खत्म कर दिया। अब इलाहाबाद बैंक के नाम से कोई बैंक नहीं जानी जाएगी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और हम इसलिए नहीं मुख्यमंत्री जी की बात करना चाहते, मुख्यमंत्री जी हमारे को जानते ही नहीं है। इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी हैं कि वो कुछ जानते ही नहीं है। बिजली का बिल बढ़ गया, उन्हें पता ही नहीं था कि बिजली का बिल भी बढ़ गया। रसोई गैस के जो सिलेंडर है वो तो महंगे हो ही रहे हैं, रेल का किराया तो हुआ ही है महंगा। पीएफआई के बारे में केंद्र सरकार प्रदेश सरकार ज्यादा जानती होगी, हमें जानकारी नहीं है उसके बारे में। और इसके साथ साथ कोटा के बच्चों की तो फिक्र है मुख्यमंत्री जी को, कोटा में बच्चों की जो जान गई है उसे ही फिक्र तो है मुख्यमंत्री जी को। लेकिन पिछले 12 महीने में 1000 से ज्यादा बच्चों की गोरखपुर में जान जा चुकी है, उसकी फिक्र कब करेंगे? और सबसे बड़ा इनह्यूमन काम यह हुआ है कि डॉक्टर्स को पता था, डॉक्टर्स की जानकारी में था कि इसको बीमारी क्या है, लेकिन सरकार के निर्देश और मुख्यमंत्री जी के खुद के निर्देश के आंकड़े ठीक रहने चाहिए, इसलिए जो बीमारी थी, जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस थी, फीवर था, उसकी दवाई नहीं दी गई। तो ये थे अखिलेश यादव जो एक बार फिर से योगी सरकार पर और केंद्र सरकार दोनों पर निशाना साधते नजर आए। एनपीआर को लेकर उन्होंने कहा कि मैं तो एनपीआर का फॉर्म नहीं भरने वाला, इसके लिए मुहिम भी वो चलाएंगे।